सिटी बस के संचालन टेंडर में एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई थी, इसका खुलासा न्यूज 18 ने किया था। अब खबर दिखाए जाने के बाद टेंडर को निरस्त कर दिया गया। साथ ही राजधानी की जनता के लिए 100 नई ई बसों को चलाने की तैयारी है। हमने एक खबर प्रमुखता से दिखाई थी, एक विसिल ब्लोअर उनका इंटरव्यू भी लिया था न्यूज 18 ने, उनकी तरफ से बताया गया था कि टेंडर जिन्हें दिया उन्होंने पूरी राशि निकाल तो ली लेकिन उस राशि का इस्तेमाल नहीं हुआ है। कई सारी ई बसें जो खंडहर में तब्दील थी, कई बार ऐसी भी जानकारी लगी कि जितनी संख्या का वादा किया गया था उतनी संख्या में बस का संचालन नहीं हो रहा था। ये गड़बड़ी न्यूज 18 ने उजागर की और उसके बाद अब ये खबर का असर। न्यूज 18 में प्रमुखता से खबर दिखाया गया था और अब जानकारी ये है कि टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। हमारे बीच महापौर एजाज ढेबर जी हैं, हम बात करेंगे कि बताएंगे भैया किस तरह का ये है, टेंडर को निरस्त कर दिया गया है, अब किस तरह की सुविधाएं मिल पाएंगी। देखिए, ये तो बहुत पहले से इसको निरस्त कर देना था क्योंकि ये पुरानी चले आ रहा था, इसलिए हम लोग भी इसको खींच रहे थे, मगर अब क्योंकि रायपुर शहर शहर नहीं रहा, अब ये महानगर का रूप ले लिया, तो जब महानगर बनता है, जब कोई शहर राजधानी का स्वरूप लेता है तो उस अनुसार यहाँ पर बसेस होना चाहिए, यहाँ पर वैसी यातायात व्यवस्था होना चाहिए। आज रायपुर में सबसे बड़ी परेशानी क्या है, यही तो है, लोगों के पास ये यातायात की व्यवस्था नहीं है। अब क्योंकि उसका टेंडर इस तरीके से था जो लगातार चलते हुए आ रहा था, मगर उसको टेंडर को ख़त्म कर दिया गया है। 100 नई ई बसेस आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसेस आएंगी, जिसमें मिनी बसेस भी रहेगी जो शहर में किसी भी प्रकार का यातायात बाधित नहीं करेगी, और मुझे लगता है कि जब बसेस अच्छी आएगी, सुंदर आएगी, तो लोग उसका इस्तेमाल भी करेंगे। तो मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ये बहुत बड़ा वो रहेगा और मुझे लगता है कि 2 से 3 महीने में ये आप लोगों को इलेक्ट्रिक बसेस रायपुर शहर में दौड़ते दिखाई देंगे। बिल्कुल, ये अच्छी खबर कही जा सकती है। अब रायपुर के जनता को ई बस के माध्यम से सफ़र कर सकेंगे। साथ ही साथ जिस तरह से जो टेंडर्स में लेकर के गड़बड़ियाँ थी उसे प्रमुखता से न्यूज 18 ने दिखाया था और उसके बाद अब जो टेंडर है उसे निरस्त कर दिया गया है। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और अब बिलासपुर की खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां गौ तस्करी का मामला सामने आया है। बिल्हा क्षेत्र के भटगांव में एक ट्रक में गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा था। बताया यह भी गया कि इस ट्रक में लगभग 100 गायों को भरकर उनकी तस्करी की जा रही थी। हालांकि मामले की जानकारी जैसे ही हिंदू संगठनों को लगी तो तत्काल मौके पर पहुंचे, आरोपियों को पकड़ा गया, गौवंशों को मुक्त कराया गया, पुलिस को भी सूचित किया गया। और खबर अगली सूरजपुर से है, जहां रामानुजनगर ब्लॉक में 3 बाल विवाह को बाल संरक्षण इकाई और पुलिस की संयुक्त टीम ने रुकवाया है। आपको बताएं कि इन दिनों विवाह का लग्न चल रहा है, यानी कि समय चल रहा है, और ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह के प्रकरण भी सामने आते हैं। ऐसे में बाल संरक्षण इकाई पूरी तरह से सक्रिय इस ब्लॉक में पहुंची तो बाल विवाह की जानकारी लगी, तो यहां पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया, परिजनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और आगे के समय के लिए भी समझाइश दी गई। ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई थी कि सरई पारा रामानुजनगर विकास खंड में बाल विवाह हो रहा है, जिस पर कलेक्टर साहब के निर्देश पर हमारी संयुक्त टीम मेरे नेतृत्व में वहां गई थी। वहां जाने पर जिस बच्ची की शिकायत प्राप्त हुई थी उसका जांच किया गया, शैक्षणिक दस्तावेज जब देखा गया तो वो कम पाई गई, कम उम्र की।